स्टूडेंट्स, अल्कोहल को कंप्लीट करने के बाद हम लोग इस यूनिट का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, फिनॉल। अल्कोहलिक ग्रुप को ही बिलोंग करता है, लेकिन कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक चेन, कार्बन चेन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिफरेंशिएट यहां मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग फिनॉल्स के लिए समरी कंप्लीट करते हैं कि क्या क्या यहां पढ़ेंगे, और देन स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें आपको मैं क्लियर करता चलता हूं। देन सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ फिनॉल, देन क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल यानी फिनॉल्स का वर्गीकरण, नॉमिनेशन ऑफ फिनॉल्स फिनॉलों का नामकरण, आइसोमेरिज्म इन फिनॉल्स फिनॉल में समावयवता, देन फॉर्मेशन मेथड्स ऑफ फिनॉल यानी फिनॉल को किन विधियों के द्वारा निर्मित किया जा सकता है या कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बहुत अच्छे केमिकल रिएक्शंस मिलने वाले हैं यहाँ, नॉमिनेटेड रिएक्शंस मिलने वाले हैं यहाँ। व्हाट हैपन व्हेन्स एंड हाउ डू यू फाइंड आउट केमिकल रिएक्शंस के व्यूज मिलेंगे आपको। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लैब मेथड ऑफ फिनॉल्स यानी प्रयोगशाला में फिनॉल के निर्माण की विधि। अच्छा एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया कि फिनॉल के निर्माण की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, इसके भौतिक रासायनिक गुण व उपयोग बताइए। एक्सप्लेन द लैब मेथड ऑफ फिनॉल विथ डायग्राम एंड केमिकल रिएक्शन एंड ऑल्सो डिस्कस इट्स प्रॉपर्टीज एंड यूसेस। देन फिनॉल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड लास्ट करेंगे हम लोग यूसेस से, और इसके बाद एज अ एक्सपेरिमेंटल केस लैब टेस्ट ऑफ फिनॉल। तो टेस्टिंग ऑफ फिनॉल्स में स्पेशल टेस्ट है लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट या लिबरमैन टेस्ट ऑफ फिनॉल, जिसको हम लोग एज ए प्रैक्टिकल बेसिस पर सीखेंगे। तो आइए मेरे साथ और टर्म बाय टर्म फिनॉल टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, डेफिनेशंस के साथ, क्लासिफिकेशंस के साथ एंड इट्स नॉमिनेशंस के साथ। स्टूडेंट्स, मन में बात आती है कि फिनॉल क्या है, कैसे डिफाइन करें, क्या अल्कोहल के ही सिमिलर हैं? तो एक सबसे बड़ा पॉइंट करने का जो वर्ड है, वन वर्ड है, वो मैं हाईलाइट करता हूं यहां पर, एरीन्स। सो वी सेज दैट द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एरीन्स आर कॉल्ड फिनॉल, अर्थात एरीन्स के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स या हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न ही फिनॉल कहलाते हैं। इसे एक रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। एरीन्स को सिंबलाइज करते हैं ARH से, AR फॉर एरिल ग्रुप, और इन एरिल ग्रुप्स के हाइड्रोजन अर्थात एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स का सिंगल हाइड्रोजन OH के द्वारा रिमूव किया जाए, अर्थात OH जुड़ जाए और हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, तो इस एरिल ग्रुप से OH के जुड़ने से बना कंपाउंड फिनॉल कहलाता है। और नॉर्मली फिनॉल का जो फार्मूला लिखते हैं हम लोग C6H5OH, और इसे स्ट्रक्चरल व्यू में फेनिल रिंग पर OH, नॉर्मल पोजीशन पर OH के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और मॉलिकुलर फार्मूला लिखते हैं C6H5OH। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन के बाद फिनॉल्स का क्लासिफिकेशन। फिनॉल्स को स्पेशली अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप थ्री पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं, जिनको इस लेआउट के माध्यम से क्लियर करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स, एंड सेकेंड पार्ट इज नोन एज डाइहाइड्रिक फिनॉल्स, एंड थर्ड पार्ट इज कॉल्ड
ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स, अर्थात तीन प्रकार के फिनॉल्स हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक। तो इन्हें वन बाय वन विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। अकॉर्डिंग टू देयर नेम दिस टाइप ऑफ कंपाउंड हैव सिंगल ओएच ग्रुप, देन दे आर कॉल्ड मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स। इन कंपाउंड्स में केवल एक ओएच ग्रुप सीधे एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है, तब इन्हें मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एरोमेटिक रिंग है और इसकी नॉर्मल पोजिशन पर OH समूह जुड़ा हुआ है, तो OH के जुड़ने से एरोमेटिक कंपाउंड्स में OH ग्रुप के ऐड होने से मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स प्राप्त होते हैं और एग्जाम्पल में फिनॉल हो जाए। नाउ डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स। तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनेशन, डाई मीन्स टू, व्हेन टू OH ग्रुप्स एट ऑन एरोमेटिक रिंग्स देन दे आर कॉल्ड डाईहाइड्रिक फिनॉल्स। जब यौगिकों में दो OH समूह सीधे एरोमेटिक रिंग से जुड़ते हैं तो उन्हें डाईहाइड्रिक फिनॉल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां देखिए ये जो रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, इनमें सभी में 2-2 OH ग्रुप एड हुए हैं, तो अगर इनका नॉमिनेशन करेंगे तो इसे बोलेंगे 1,2 डाई फॉर 2 OH एंड ऑल सफिक्स यूज करेंगे OH के लिए। सो नॉमिनेशन करेंगे बेंजीन 1,2 डाई ऑल और इसकी पोजीशन हो जाएगी 1, 2 एंड 3, तो बेंजीन 1,3 डाई ऑल और यहां पर 1, 2, 3 एंड 4, तो बेंजीन 1,4 डाई ऑल। नाउ लास्ट टाइप ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स। इन्हें अकॉर्डिंग टू नेम डिफाइन करें कि जब एरोमेटिक रिंग से 3 OH ग्रुप एड होते हैं तो इन्हें ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं, अर्थात इन कंपाउंड्स में 3 OH ग्रुप सीधे एरोमेटिक रिंग से जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहां 1 पोजीशन पर OH है, 2 पर OH है और 3 पर OH है, तो नॉमिनेशन करेंगे बेंजीन 1,2,3 ट्राई ऑल, इसका नॉमिनेशन करेंगे 1,2,4 ट्राई ऑल एंड इसका नॉमिनेशन करेंगे 1,3,5 ट्राई ऑल। तो क्लासिफिकेशन के बाद अब हम लोग फिनॉलों में आइसोमेरिज्म के केस को कंफर्म करते हैं और देखते हैं कि कितने प्रकार से ये रिप्रेजेंटेशन देते हैं। आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं हम लोग, तो हम लोग डायरेक्ट इसके टाइप्स को पढ़ेंगे। पोजीशन आइसोमेरिज्म, फर्स्ट टाइप स्थान समावयवता। अकॉर्डिंग टू देयर नेम आइसोमेरिज्म क्या है, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम हैं लेकिन उनके फंक्शनल ग्रुप्स, उनकी कार्बन चेन, उनके प्रॉपर्टीज, उनके स्ट्रक्चर्स अगर डिफरेंट डिफरेंट हों तो वे आइसोमर्स कहलाते हैं और ये फिनोमेना आइसोमेरिज्म कहलाती है। बट जब हम यहाँ स्थान की बात करते हैं तो फिनॉल के लिए OH ग्रुप यानी फिनॉलिक OH की अगर एरोमेटिक रिंग में स्थान बदलता जाए और उनके मॉलिकुलर फॉर्मूले सेम बने रहें तो ये घटना स्थान समावयवता कहलाती है और वो भी फिनॉल्स के केस के लिए होती है। सपोज दैट अ मॉलिकुलर फॉर्मूला गिवन C7H8O एंड इट मेक्स हाइड्रोक्सी टॉलुइन। नॉर्मल पोजिशन पर CH3 लगाने से रिंग में टॉलुइन का फॉर्मेशन होता है, बट सिंगल हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से OH लगा दें तो फिनॉलिक ग्रुप एड हो जाता है। तो अगर हम यहां नॉमिनेशन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू MFG मेन फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग नॉमिनेशन करेंगे 1, 2
नेम होगा इसका 2-methyl phenol। नाउ इसका स्ट्रक्चर करेंगे, नंबरिंग होगी 1, 2, 3 एंड नेम बनाएंगे तो 3-methyl phenol एंड यहां नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3 एंड 4 तो 4-methyl phenol। नाउ सेकेंड टाइप फंक्शनल आइसोमरिज्म, क्रियात्मक समावयवता क्या है, जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं, मॉलिकुलर फार्मूले सेम होते हैं लेकिन उनके फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं तो वे क्रियात्मक समावयवी कहलाते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स कहलाते हैं और ये घटना क्रियात्मक समावयवता कहलाती है। तो यहां हमने देखा कि 3 structures हमने आर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशंस के ड्रॉ किए हैं, जिनका नॉमिनेशन करेंगे तो 2-methyl phenol, 3-methyl phenol एंड 4-methyl phenol। और अगर हम तुलना करें इनका बेंजील एल्कोहल और एनिसॉल से तो फंक्शनल आइसोमरिज्म के केस को क्लियर कर सकते हैं। सपोज दैट इन दिस स्ट्रक्चर OH ग्रुप इज प्रेजेंट एंड OH फॉर एल्कोहल, तो यहां तो एल्कोहलिक समूह की उपस्थिति है लेकिन जब एनिसॉल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो इस रिंग के साथ, इस कार्बन के साथ में O एडिट होता है एंड सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ये समूह ईथर्स का होता है। तो एक स्ट्रक्चर में OH एल्कोहल समूह की प्रेजेंस है जबकि दूसरे स्ट्रक्चर में ईथर समूह की प्रेजेंस है लेकिन दोनों के ही मॉलिकुलर फार्मूले सेम है तो ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होंगे और ये इनकी घटना फंक्शनल आइसोमरिज्म कहलाती है। और दोनों स्ट्रक्चर्स के कंपाउंड्स के जो मॉलिकुलर फार्मूले हैं वे सेम बने रहेंगे। तो कंपैरिजन करते हैं हम लोग फिनॉल और एल्कोहल का। क्वेश्चन से टू यू, राइट द डिफरेंस बिटवीन फिनॉल एंड एल्कोहल्स। तो अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट, अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, अकॉर्डिंग टू देयर स्मेल एंड डिफरेंट फीचर्स गिव देयर डिफरेंस पॉइंट्स। तो कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फिनालों की जो गंध है वो कार्बोलिक स्मेल वाली होती है अर्थात फिनाली गंध होती है जबकि एल्कोहल अच्छी गंध वाले होते हैं। FeCl3 से क्रिया करके फिनॉल ब्लू कलर देते हैं, नीला रंग देते हैं जबकि एल्कोहल FeCl3 से क्रिया नहीं करते हैं। एंड स्टूडेंट्स, फिनॉल्स आर नॉट रिएक्टेबल विथ हैलोजन्स अर्थात फिनॉल हैलोजनों से क्रियाशील नहीं होते हैं और रिएक्शन प्रदर्शित नहीं करते हैं जबकि एल्कोहल्स हैलोजनों से क्रिया करके उस प्रॉपर एल्कोहल का हैलाइड बनाता है अर्थात ये हैलाइड फॉर्मेशन की क्षमता रखते हैं। सपोज दैट अगर एथेनॉल का रिएक्ट कराया हैलोजन से तो एथिल हैलाइड का फॉर्मेशन हो। एंड लास्ट करेंगे टेस्ट से, तो फिनॉलों के लिए हम लोग पढ़ेंगे लीबरमैन टेस्ट अर्थात फिनॉल का परीक्षण लीबरमैन टेस्ट द्वारा करते हैं जबकि एल्कोहलों का टेस्ट ल्यूकॉस परीक्षण द्वारा करते हैं जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। इस टेस्ट के द्वारा 1 degree, 2 degree and 3 degree एल्कोहल्स का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है अर्थात टेस्ट किया जाता है। तो एल्कोहल्स के लिए ल्यूकॉस टेस्ट एंड फिनॉल्स के लिए लीबरमैन टेस्ट। तो इस प्रकार से हमें फिनॉल और एल्कोहल्स में डिफ्रेंशिएट क्लियर होता है।